पता है लोग करने वाले तो करते ही, ऐसी बात नहीं, लेकिन बिहार जो अपने आप में जो है ये है, वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो जो है अपने मतलब ब्रिलियंट होते हैं, लेबोरियस होते हैं, दिल्ली में आके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल लोग मतलब एजुकेटेड लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, और जो लोग अनपढ़ टाइप के हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं जैसे अदर स्टेट से हैं, वो थोड़ा भेदभाव करते हैं, या फिर शो ऑफ वाले टाइप के जो है बिल्कुल हाँ वो थोड़ा सा करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं कि ठीक है ये बिहार वाले हैं वो है। मैं एक्चुअली जो है पहले तो गांव में रहता था, 2006 में मैं दिल्ली आ गया गांव से। हाँ गांव से, थोड़ा फाइनेंशियली इतने हम लोग स्ट्रांग नहीं थे, जो हमारे सिक्स सिस्टर है, प्राउड हमें प्राउड है कि हमारे सिक्स सिस्टर हैं और टू ब्रदर हैं, और फादर तो भी एक्सपायर कर गए 2017 में। तो मैं दिल्ली आया तो उस टाइम भी जो है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। आप अकेले आए थे दिल्ली में कि फैमिली भी थी कोई? फैमिली गाँव में रहती है बेसिकली। आप अकेले आए? अकेले आया था मैं, मतलब हमारे मामा वगैरह यहाँ रहते हैं, उनके जो सपोर्ट से मैं यहाँ पे पढ़ाई भी किया और काम भी सीखा। तो पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे बिहार से? फिर टेंथ करके मैं आया था वहाँ से। अच्छा टेंथ तो, करके हाँ, आप आए। ट्वेल्थ यहाँ मैंने किया, डिप्लोमा मैंने यहाँ किया और भी कोर्स जो एडवांस कोर्सेज वगैरह मैंने यहीं पे किया, और अपने जो हमारा HVAC का फील्ड है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन है, उसमें ये हमारा जो है काम है आपने किया उसमें। जी तो आप अभी उसमें आपका प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं आप सुपरवाइजिंग का? प्रोपराइटर हूँ मैं, खुद का काम करता हूँ। ओके। मैंने पहले जॉब किया था गल्फ कंट्री भी गया, मैं बाहर भी गया सऊदी अरब कतर वगैरह, फिर मैं यहाँ पे अभी दिल्ली में ही सेटल हूँ। तो कैसा सऊदी अरब और कतर वगैरह में गए थे, वहाँ से क्या वहाँ का कैसा था एनवायरमेंट? वहाँ का भी अच्छा मुझे लगा। हाय हाय श्यामा, आपका नाम? एहसानुज्जमान। शानू? एहसानुज्जमान मैम। एहसान उस्मान जी हाँ। मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप? ये हमारा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट आता है, पहले जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में होता था, फिर हाँ हमारे जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के राजो सिंह एक MP बने थे, वो उन्होंने जो है इसको ये इसमें पार्टिसिपेट कर दिया। जी जी। तो अब वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में आ गया। डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं आपको बता दूं, मैं भी बिहार से हूं और मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से आया है। तो आप यहां घूमने आए हैं CP? हाँ बिल्कुल, मैं यहां पे काम हमारा चल रहा है, एयर कंडीशन का मैं काम करता हूं HVAC का। अच्छा यहाँ पे तो हो गया आपका काम? हो गया, काम तो हो गया। तो अब आप जाओगे? बिल्कुल हाँ मैं। और सब बढ़िया है? बिल्कुल कुशल मंगल है सब कुछ। आपके लाइफ में कभी कोई उतार चढ़ाव आया है बचपन से लेके अब तक, या फिर आप बिहार से हैं तो कभी दिल्ली में आए, या फिर कहीं और जाते हैं तो कभी कोई पार्टिसिपेशन होता है कि बिहार से हैं, ऐसा कुछ कुछ भी होता है आपको? होता है, लोग करने वाले तो करते ही, ऐसी बात नहीं, लेकिन बिहार जो अपने आप में जो है ये है, वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो जो है अपने मतलब ब्रिलियंट होते हैं, लेबोरियस होते हैं, बिल्कुल आके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल लोग मतलब एजुकेटेड लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, और जो लोग अनपढ़ टाइप के हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं जैसे अदर स्टेट से हैं, वो थोड़ा भेदभाव करते हैं, या फिर शो ऑफ वाले टाइप के जो है बिल्कुल हाँ हाँ वो थोड़ा सा करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं कि ठीक है ये बिहार वाले हैं वो है। तो आपको कभी इस टाइप का कुछ भी झेलना पड़ा था कभी भी? ऐसा तो मुझे ऐसा तो झेलना नहीं पड़ा फिलहाल तो, क्योंकि आप वैसे एनवायरमेंट में नहीं रहे होंगे, आपका जो सराउंडिंग रहा होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा। हमारी फैमिली यहाँ दिल्ली में ही रहती है तो हम लोग उनके साथ में ही जो रहे हैं, बिल्कुल कहीं पे गए भी तो इस तरह से नहीं हुआ। बिल्कुल कहानी है। तो बताइए कभी उतार चढ़ाव कोई आया हो स्टोरी जो बाकी लोग को मोटिवेट करे, जो और भी हमारे हैं उनको मोटिवेट करे, आपकी कोई स्टोरी है तो बताइए। स्टोरी तो हर इंसान में लाइफ में स्टोरी तो होती है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरी है। मैं एक्चुअली जो है पहले तो गांव में रहता था, 2006 में मैं दिल्ली आ गया गांव से। हाँ गांव से, थोड़ा फाइनेंशियली इतने हम लोग स्ट्रांग नहीं थे, जो हमारे सिक्स सिस्टर हैं, प्राउड हमें प्राउड है कि हमारे सिक्स सिस्टर हैं और टू ब्रदर हैं, और फादर तो भी एक्सपायर कर गए 2017 में। तो मैं दिल्ली आया तो उस टाइम भी जो है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। आप अकेले आए थे दिल्ली में? हाँ, कि हाँ, फैमिली भी थी कोई? फैमिली गाँव में रहती है बेसिकली। आप अकेले आए? अकेले आया था मैं, मतलब हमारे मामा वगैरह यहाँ रहते हैं, उनके जो सपोर्ट से मैं यहाँ पे पढ़ाई भी किया और काम भी सीखा। तो पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे बिहार से? फिर टेंथ करके मैं आया था वहाँ से। अच्छा टेंथ करके आप आए। ट्वेल्थ यहाँ मैंने किया, डिप्लोमा मैंने यहाँ किया और भी कोर्स जो एडवांस कोर्सेज वगैरह मैंने यहीं पे किया, और अपने जो हमारा HVAC का फील्ड है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन है, उसमें ये हमारा जो है काम है। आपने किया उसमें? जी। तो आप अभी उसमें आपका प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं आप सुपरवाइजिंग का? मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं खुद का काम करता हूँ। ओके। मैंने पहले जॉब किया था गल्फ कंट्री भी गया, मैं बाहर भी गया सऊदी अरब कतर वगैरह, फिर मैं यहाँ पे अभी दिल्ली में ही सेटल हूँ। तो कैसा सऊदी अरब और कतर वगैरह में गए थे, वहाँ से क्या वहाँ का कैसा था एनवायरमेंट?
वहाँ का भी अच्छा मुझे लगा, ऐसा तो कुछ ऐसा भेदभाव जैसा कुछ और भी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो इंडिया अपना वतन है, अपना मुल्क है, इससे जो आपने एक हमदर्दी होती, मोहब्बत होता, उस चीज़ को तो वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते। वहाँ तो हम दूसरी कंट्री गए कमाने गए, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे, ये है। लेकिन ये है कि अपना जो वतन मुल्क होता उसकी बात तो दूसरी कंट्री में आप नहीं फील कर सकते। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पेमेंट ज़्यादा मिलता होगा, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं कम पेमेंट मिलेगा लेकिन हमको इंडिया में ही काम करना है, वो कैसे देखा? एक्चुअली हमारा दूसरा भाई जो हमारा वो एक्चुअली वहाँ दुबई में रहता है वो, और तो मैंने सोचा कि एक हमारे फादर है नहीं, तो एक भाई को इंडिया में रहना कभी फैमिली को संभालने के लिए बिल्कुल, दिल्ली में मैं हूँ कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं जा भी सकता हूँ घर पे, बिल्कुल ये है। तो इसलिए आपने यहाँ शिफ्ट किया। बहुत सारे बिहार के बच्चे ऐसे होते हैं, 10th किए उसके बाद सोचते हैं कि मैं बाहर चला जाऊँगा और वहाँ जाके बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, तो वो कहाँ तक सही है? उनको वो तो सही नहीं है बिल्कुल। अब कुछ लोग हैं फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए मजबूरी है, लेकिन हमारा जो एक मतलब सजेशन हो गया कि बिहार का मैं हूँ, बिहार के लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ कि आप कम से कम जो कुछ टेक्निकल जो है ले करके जाएं, नॉलेज लेके जाएं, नहीं तो वहाँ लेबर की तरह रहना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छी कंपनी में जाएं, जो अच्छी मतलब मुंबई है दिल्ली में जो सही जो कंसल्टेंसी है उससे जाएं, तो उसमें क्या धोखा नहीं होता। वहाँ बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। मतलब अच्छा, आप गए थे तो कोई केसेस वगैरह आए थे वहाँ पे कोई फ्रॉड का, मतलब आपके आसपास में कोई बता रहा हो कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसा कुछ एक्चुअली मैं जो गया था तो वहाँ पे जो बड़ी कंपनी थी, अल-खुज़री कंपनी थी, वो बड़ी कंपनी थी, 70-80 साइट चल रही थी उसकी, मैं उस कंपनी में गया था, मुंबई से गया था, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन होते वो किस में होते हैं, जैसे इंडिया में भी है बहुत मल्टीनेशनल कंपनी भी है, प्राइवेट लिमिटेड भी है, लिमिटेड भी है और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, बिल्कुल जो वहाँ पे भी ऐसा होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर में जाते हैं उनके साथ इस तरह का जो है प्रॉब्लम होता है। चलिए आप तो उस टाइप के प्रॉब्लम वहाँ पे होते हैं उन लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाते हैं, बिल्कुल उसको मुसस्सा कहते हैं, अरबी में मुसस्सा कहते हैं, मतलब लोग काम करते हैं, बिल्कुल काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही वहाँ पे भी, वहाँ पे क्या आप दूसरी कंट्री गए तो वहाँ पे पासपोर्ट का वो होता है, तो वो पासपोर्ट कैप्चर कर लेते हैं। हमारे जो है जीजू रहते हैं, हमारे उरैन जो गांव है, हाँ वहाँ पे एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने बताया भी था, तो फिर बाद में आ गया। अच्छा, जो भी हमारा आजकल के जो भी 10th 12th के बच्चे होते हैं वो पहले टेक्नीशियन कोई नॉलेज टेक्निकल नॉलेज लें, उसके बाद जाए ताकि वहाँ उनको दिक्कत ना हो, कम से कम उतना इतनी समझ हो कि हाँ मेरा कोई पासपोर्ट ना ले, हमारा वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, यहीं पे वो चेक कर लें कि हाँ मैं जो जिस कंपनी में जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी है, क्या है, कैसी है, कंपनी है कि नहीं है, नहीं तो पता चलता है वहाँ जाने के बाद ना आपके पास काम है ना आपके पास पैसे हैं, ना तो आप आ सकते हैं नहीं तो कहीं जा सकते हैं, जाके फंस जाएंगे बिल्कुल। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ना ये सारी कन्वर्सेशन एक हिडन कैमरा पे हो रही थी, वो रहा कैमरा, से हाय टू कैमरा। श्यामा लाइफ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, इनके मतलब बहुत बढ़िया जो है वीडियो ये शूट करती हैं, मोटिवेशनल वीडियो, और आप जो है कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर।